आप लोग कथा सुनल गई ना, रामचरितमानस का पहला श्लोक मैंने रात बोला, बड़ा नाम और संघा नाम रसा नाम छंदसांपी मंगला नाम चौकर तारू बंदे बाणी विनायको। और पहली कथा मैंने बताया रामचरितमानस की कथा चार घाट पर हुई है। तुलसी बाबा जब रामायण लिखे हैं तो गंगा मैया को सुनाए, रात मैंने बताया था 80 घाट पर बैठ करके गंगा मैया को इन्होंने सुनाया। और दूसरी कथा याग बलक जी महाराज बता रहे हैं कथा, और श्री भरद्वाज जी सुन रहे हैं जो प्रवचन हो रहा है। आज भगवान शंकर जी की विवाह की कथा है, और तीसरी कथा भगवान शंकर जी प्रवचन करेंगे, माता पार्वती सुनेंगी, और चौथी कथा श्री काग भुसुंड जी महाराज कथा कहेंगे, और गरुड़ जी महाराज प्रेम से कथा को सुनेंगे। अब हमनी के कथा में शामिल बनी जा, अब प्रवचन होके जाता तन एक बेर हथवा और उठावल जा, बरियारे उठाओ ताली बजाओ तो रुकेगा। आज कथा में भीड़ काफी बा, हमरो पार्टी में नगदे लोग बा, बहुत लोग बा, बाप रे बाप पूरा भरल बा, आहियो पार्टी भरल बा। आज देखी कथा में कौन गोल जीता तिया, पहले पुरुष वर्ग के लोग हाथ उठाए, थोड़ा ताली बजाइए आप, कस का बजाइए, वाह बज गए ना, अब हई पार्टी हाथ उठाओ, अच्छा आपका बजा भैया, रोकिएगा रोकिए, यहाँ के पुरुष वर्ग बताए कौन गोल जीता तिया, हई पार्टी जीता तिया, हमार गोल जीता तिया, महिला बंद कर तरी, आप लोग फिर एक बार उठाई हतवा, अतन ताकत से बजाई भरिया, चल आ तोहन लोग अब की जांगर से बजाइया, उठावा हाथ भरिया रे, सिसवा के मर्द लोग बतावे कौन गोल जीता तिया, भुला के ना हाथ उठावा, हई पार्टी जीता तिया, जो बात सुन ला लोगे फिर उठाई बोलो गए हो, उठा भर यार तक चाप के बजा, सिसवा के मर्द लोग फेल बा, नहीं कहां सब है बजावा, ता एक बार और हाथ उठाइएगा, उठा भर यार चाप के बजा लो, अब बहन के बुझाता जीतनी क्या मन के, अब उठाई बोलो गए, उठा भर हार गल है पार्टी, मान मना गोइल हार, आपे लोग बताइए है गोल हारत या कि ना, नहीं नहीं बरियाई से न कहल जा भाई, ये कोई बात नहीं, औरत के सब पद आगे बायो, प्रधानी में औरत आगे, घर के मलिकई में आगे, बाजार कोयले में आगे, सिपाही बनले में आगे, दरोगा बनले में आगे, मास्टर बनले में आगे, कहीं कोनो पद लेले में महिला आगे बाकी पीछे नहीं बोलोगे। अपने गांव में पता करिए ज्यादा लड़कियों का नियुक्ति हो रहा है कि बच्चों का, पता करिएगा, लाख लाख आशीर्वाद इन बहनों को बेटियों को जो आप लोग वीरेंद्र बाबा आज कथा सुनाने जा रहे हैं, और प्रेम से बड़ी बारीकी से आप लोग सभी लोग बैठ गए हैं, पूरी पंडाल के लोग एक बार हाथ उठा लें, सब लोग ताली बजाइए, मरत सती हरिशन बरमागा आ जन्म जन्म पद शिव अनु रागा, सती तो नैहर में जाके मर गई लेकिन सती के मरल लाश शंकर जी लेके चलली, कल का प्रवचन में बता रहा हूं, विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र उठा के एक बेर नचौले आ 51 टुकड़ा गिरल पृथ्वी पर सिद्ध पीठ दुर्गा के अवतार मानल गई, सिद्ध पीठ दुर्गा के अवतार, आ जब सती मर गई तो भगवान शंकर जी समाधि ले लेली, ये सचंडी जगह है, और माता जी की कथा हो रही है, बड़ा प्रेम से उन्हीं का विवाह है आज, बड़ी बारीकी से कथा को सुनना, शंकर जी जब समाधि ले ले, जब से सती जाई तनु त्यागा तब से शिव मन भयऊ बिरागा, भगवान शंकर जी जब बैराग लेली तो माता पार्वती के जन्म हो गल कहां, तेही कारण ही में गिर गृह जाई आ जन्मी पार्वती तनु पाई, केकर जन्म हो गल बा,
पार्वती के जन्म हो गई। शंकर जी के बियाह दूसरा बेर कौने लड़की से भइल बा? पार्वती। अब कथा रूरा ध्यान दे, जब शंकर जी समाधि में अला तब पृथ्वी पर तारका नाम के राक्षस तैयार हो गए। तारका तैयार हो गई, सारा देवता के तड़पावे भूजे लागल, त्राहिमाम त्राहिमाम, सारा देवता लो त्राहिमाम करके ब्रह्मा जी के दरबार में गए। लो ब्रह्मा जी पूछनी, आप लोग कहाँ आए बनी? देवता लोग कहले, सरकार सती जाके नैहर में मर गई ली, अब बौरहू आंख मूल ले बड़ा, पृथ्वी पर तारका नाम के ई राक्षस तैयार बा, हमनी के भूजाता मुआवता। ब्रह्मा जी कहले, एगो कार कर लोगे, पहले शंकर जी के ताकाव, शंकर जी ताके, शंकर जी ताके तब पार्वती से शादी होई, अब पार्वती से शादी होई तब कार्तिके के जन्म होई, आ कार्तिके के हाथ से तारका के बध लिखल बा। देवता लोग कहले, दादा ई बौरहू तो किहे कैसे? ब्रह्मा जी कहली, पहले जाके शंकर जी के ताकाव लोग, अगर शंकर जी ताक दे तो पार्वती से शादी होई, अब पार्वती से शादी होई तो कार्तिके के जन्म होई, आ कार्तिके के हाथ से तारका का वध लिखा गया है। मैं रामचरितमानस से बोल रहा हूं। देवता लोग कहले, दादा बौरहू के ताकाई के, शंकर जी के जे तकौले बा जियल बा कि मरल बा? बोला, शंकर जी के जे जगाई पहले जगा दी है कि छोड़ी है? शंकर जी के जे तकावल पृथ्वी पर जियल नहीं तुरंत मरल। शंकर जी का कोगो नेत्र है? कोगो हमनों के तीन गो बा, लेकिन दू गो लौकता, एगो तो पाइल बा, इससे कोई काम नहीं कर रहा है ना। बोलो शंकर भगवान की। देवता लोग कहले, सरकार बौरहू के तकाई के। ब्रह्मा जी कहले, पहले चल ता लोग कामदेव के लग, आ कामदेव से कह दिया कि चल के शंकर जी के तका दो। कामदेव के लग गई लोग, देवता लोग कहले, कामदेव तन चल के बौरहू के तका नु दो। कामदेव कहले, हम ना जाए तकौले के, पहले हम ही ताक दे। देवता लोग कहले, ना चलब? कहले ना जाए। देवता लोग कहले, ना चलब तो जान ला उपद्रो बा, चलब कि ना? कामदेव कहले, तू लोग बवाल मत कर, चल चल तनी हम। कामदेव गईले आमे के पेड़ पर चढ़ के, आई है काम के बाण तान के छाती में शंकर जी के मरले। काम के बाण एक बेर मरले, आ जब काम के बाण लागल त शंकर जी टप दे तकले, तीसरा नेत्र खुल गई, सगरी लाइट गई, कामदेव जरी के मर गईले। कामदेव मर गईले, आ जब कामदेव मर गईले त कामदेव के औरत का नाम है रति। मानस को कथा पढ़िएगा ध्यान से, कामदेव के मेहरारू का नाम का है? रति। रति कहली, कहली हे भोलेनाथ, सबकी मांगी में सिंदूर भरी ले, जौन बाझिनी बाव के बेटा दे ले, हमरा पति के मुआ के हमके विधवा बना दे ली। शंकर जी कहली, हम मरली नहीं है, मरलस तो ऊ है। अच्छा शंकर जी मरले हैं कि कामदेव? कामदेव मरले हैं। शंकर जी को ताकने में, देखिए हमारे और आपके लाठी में आवाज होता है, लेकिन भगवान की लाठी में कभी आवाज है? भोजन को सुतल बड़ा रहती है क्या दादा, फलाने बाबा तो मर गई भैल हल्ला। परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं है। और बड़ा गौर से सुनिएगा, बुरा कर्म करने वाले ऐसे मरते हैं महाराज, बुरा कर्म जो कोई गति को प्राप्त नहीं होता है। बड़ी सुंदर भाव कथा का है, ध्यान दीजिएगा। रति गली कली, हे भोलेनाथ, पति के मुआ के हमके विधवा बना दे, कैसे रह? शंकर जी कहले, तोरा पति के जिंदा कर दी? कली जिंदा मत करी। कहले तब रति कली की कोनो वरदान हमके दे दी। शंकर जी कहले, तो के वरदान दे तनी? का वरदान दिले? बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, जगह लेकर बैठ जाओ, वहीं बैठा है। रास्ता बला कर लोग नहीं पड़े, बैठा जा लोग। कुर्सी जो लगा भाई, कुर्सी पीछे चाहत रहे, आज कल से बैठने का व्यवस्था यहां बनाना पड़ेगा, पंडाल छोटा हो जाएगा। अभी कथा शुरू हो रही है, देखिए। हाँ बैठा दो बाबू, बैठा। माता लोग के ले चल कर बैठा उन्हें।
जगह थोड़ा कम हो रहा है ना। बोलो शंकर भगवान की जय। कथा पर ध्यान दी उन्हें जेकरा जहां मन करे तहां बैठे। अब आप कथा शुरू हो गल बा। अब के बैठावल जाई या के कहल जाई खड़ा रह। जे तारे मन करे वो तारे कर, जहां मन करे वो जो बैठो। अब बैठ करके प्रेम से सुनने का प्रयास करो, प्रयास करो। शंकर जी रति से कहे, रति तो के वरदान दे तनी, ई त्रेता की कथा है। हमारे विद्वान गौर करेंगे, त्रेता की कथा है। जो प्रवचन चलता कोने जुग के कथा है त्रेता की। शंकर जी कहे तो के वरदान देते ही त्रेता के बाद द्वापर चढ़ी। आ द्वापर में जब जदुबन सलीन अवतारा, कन्हैया जी के अवतार जब होई, तब कन्हैया के बेटा के नाम प्रद्युम्न, भगवान कृष्ण के पुत्र का नाम प्रद्युम्न। अगला जन्म में जब ते जन्म लेवे तो तोर बियाह प्रद्युम्न से होई, अनि भगवान कृष्ण के पतो ही बनबे ते। ताली बजा दो बढ़िया रे। रति कली हम भगवान के पतो ही बन। देखिए बड़ी सुंदर प्रसंग है, हम ठाकुर जी के पतो ही बन। शंकर भगवान कहले, तुलसी बाबा लिखले कि कृष्ण तनय होई हानि पति तोरा। कृष्ण तनय होई हनि पति तोरा। कृष्ण तनय होई हनि पति तोरा। वचन न होई अन्यथा मोरा। शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान कहले की रति तन बोलिएगा, बोलिएगा कृष्ण तनय होई हन पति तोरा, अब बचन न होई अन्यथा मोरा। अगला जन्म में द्वापर में जहिया ते जन्म लेवे, कन्हैया के पतो ही बनबू, अब प्रद्युम्न तोर पति रही है। ई के कहल भगवान शंकर जी। रति कहली, भोलेनाथ एक बात और बताई, हमरा पति के कौन जगह दे। शंकर जी कहले, आज से तोरा पति के शरीर ना रही। त्रेता की बात कामदेव की शरीर नहीं है। पढ़े लिखे लोग पंडाल में बैठे हैं, गौर करिएगा। त्रेता की बात कामदेव की शरीर नहीं है। शंकर जी कहले कि देखो आज बता रहे हैं, त्रेता की बात आज के बाद तुम्हारे पति का शरीर नहीं होगा, लेकिन एक चीज होगा, तुम्हारे पति का नाम कभी मिटने वाला नहीं है। ये पृथ्वी जब तक रहेगी, आसमान जब तक रहेगा, तुम्हारे पति का नाम कभी मिटने वाला नहीं है। अच्छा आज बताइए, कामदेव हम लोग के ऊपर है कि नहीं? नहीं है। कामना सबके अंदर है कि नहीं है? लेकिन काम की शरीर है। ये त्रेता की कथा है और आज मैं कलयुग में बोल रहा हूं। शंकर जी ने कहा, तोके वरदान देतानी द्वापर में तोर पति कन्हैया के पुत्र प्रद्युम्न हुई हैं, लेकिन तुम्हारे पति को वरदान मैं दे रहा हूं, तुम्हारे पति का नाम कभी मिटेगा नहीं और सबके अंदर कामना रहेगी, काम कभी झुकने वाला नहीं। रति तो अपने महल के गेली, लेकिन कथा तब बदला था। तनी एक बात बताई, शंकर जी के बियाहे के अगुआ के हो? अगुआ नारद के मान के बाद शंकर जी के बियाह करा दी हैं। कहो नारद करा दी हैं बियाह। रामायण कभी पढ़िएगा। हमारे शंकर जी के विवाह के अगुआ राम जी हैं। मैं दिखा रहा हूं, शंकर जी के बियाह का अगुआ के बा। पहले बोलो राजा रामचंद्र की जय। एक कथा के बाद राम जी पहुंचल बानी भोलेनाथ के लग। अब भोलेनाथ के दंडवत कैली। हमारे राम जी के इष्ट देव कौन है? शंकर भगवान। और शंकर जी के इष्ट देव कौन है? राम जी। राम जी जाके प्रणाम कैली। अब भोलेनाथ से कहली कि बाबा
रौरा से निवेदन करे आयल बनी। शंकर जी कहले कौन निवेदन बा, कहले कि रौरा खातिर जंगल में तपस्या कर तड़ी। पार्वती जंगल में तपस्या कर तड़ी, आज रौरा से यह निवेदन करे आयल बनी कि रौरा ब्याह करे के राजी हो जाई, हमार बात मान ली आ पार्वती से ब्याह करी। शंकर जी पहले 5 मिनट हंसले कहले राम जी कहली काहे हंसतनी, शंकर जी कहली हंसतनी है कि मर्दे मेहरारू में छूटा छूटी के करे खातिर भई। शंकर जी से सती के छूटा छाटी कैसे भई के करे चलते नहीं बोलो। शंकर जी अपनी मेहरारू के छोड़ दे त्याग कैले के करे खातिर नहीं बोलो। कथवा सुनावे के कर ले गए लहले तन बोलल कर लो बहुक बन के बैठो तो कैसे बोलो रे अरे छोटका बोले करा के ना बैठल कह दी से कहाँ करें लैकनों के गलती ना आई। अब इन्हें जो के बुढ़वा बुढ़िया ना सुधर ले तो लैकन के कौन गारंटी में का कहल जाए। बड़ी लीला बा लैकनों के का कही हम शांति बना करके बैठो है ए बच्ची कायदे से बैठो साइलेंट कोई बोलेगा नहीं। शंकर जी से शंकर जी के अपना औरत से छूटा छूटी केकरे चलते भइल बा राम जी के। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषिपाही, संघ सती जग जननी भवानी अब पूजा ही मुनि अखिलेश्वर जानी। कथा सुनावे ले गई ना राम पर विश्वास नाई भल कथा नाई सुन ली। परीक्षा लेवे केकर गए लहली राम जी के। आ शंकर जी त्याग कब कैले जब उनका इष्ट देव के बदनामी भइल तब कैले। शंकर जी कहले बताई रौरे चलते तब मेहरारू छोड़ देली, रौरे मर्यादा खतरे मेहरारू छोड़ देली और वही मेहरारू के चक्कर में आयल बनी फिर उनसे ब्याह करब हम फिर करो। राम जी निवेदन कैले कहले हे भोलेनाथ हमारे अर्जी रौरा मानी रौरा ब्याह करे के राजी हुई। शंकर जी कहले ब्याह कर लेकिन पहले शर्तनामा मान ली कि ये जन्म में कबूर भगवान पर सुबह नान करी है। राम जी पर सुबह के कैले रहे सती। एक बात गौर करिएगा रामचरितमानस में दो जगह भरम हुआ है, एक बार सती को हुआ है और एक बार किष्किंधा कांड में सुग्रीव को हुआ है। को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप घुमाओ बलबीरा, कौन है तुम मन विचरहु स्वामी। जब ये कथा पढ़ेंगे ना तो एक बार सुग्रीव को हुआ है। सती के भरम कब भई जब राम जी के साथे सीता ना रहली, राम जी के साथे सीता मैया ना रहली तो सती के भरम भई। सीता भक्ति है, पढ़े लिखे लोग और करेंगे, सीता भक्ति है और राम हमारे भगवान हैं। बिना भक्ति को भगवान को देखोगे तो भ्रम हो जाएगा, बिना भक्ति की कथा अगर सुनोगे तो भ्रम हो जाएगा कि वीरेंद्र बाबा क्या बोल गए। भक्ति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कथा में आए हैं थोड़ा बड़ा भाव से कथा को समझिएगा। शंकर जी कहली कि ब्याह तो कर लेकिन पहले रौरा वादा करी कि ये जन्म में सुबहानान करी है। राम जी वादा कहली कि सरकार अब पार्वती अपने शरीर से सुबहाना करी है। हमारा राम जी चल गई ली। अब शंकर जी सप्तऋषि लोग के भेजे ब्याह काटे के, जाके पहले ब्याह कटल लोगन अगर कट जाई तब तो ना होई आ ना कटी तो हमरो मनवा लगल सिसवा में के ब्याह कटवा बागिना। एक गांव पर केहू बा कि ना, हमरा तो गाँव के बगल में एक जन बाड़े दादा केहू घरे बर देखुआ आई है तब बोला के अपनिया दुआरे पर बैठा ली आ मार चाट पकौड़ी सजी खी है। बरदखुआ लोग पूछिए कैसन बा बाबू के लैका कैसन बा जी, तो कहिया लैका ठीक बा तो कोनो लेकिन ना न बा, तो कहिया एक गो लेकिन बा तनी पकौड़ी खाला। तो कहलो गे जी पकौड़ी तो केहू खाला करदा हर कहले कि हरदम पकौड़िया ना ही खाई जइया दरुइया पियला तहिए खाला। तो कहलो दरुइयो पियला आ तो हरदम दरुइया ना ही पी जइया जुआ में हार जाला तहिए पियला।
तो कहलो जुओ खेलेला आ तो हरदम जुआ नहीं खेली जे ये मोट रुपया लूट के ले आवला तो ये खेलेला अइ बियाह काटे के परी की कट गए सिसम के हुआ कि नहीं अइ बुढ़िया तो कहत या कोई जने मारे बाबा अरे बाप हो बाप ट्रेनिंग दे तड़ू लोगों कुकर्म करे सो धन बढ़े ई कलयुग की रीति आ अंत समय ढह दात है जस बालू की केहू के बेटी के बियाह नहीं होता तो करे बेटी के बियाह कराव केहू के बेटा के मौर नहीं बनाता तो मौर बनवाव शादी करौले इतना पुन कुछ में बा शादी कराना चाहिए शादी काटने के चक्कर में कभी मत पड़ो आप आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा मैं निवेदन करूंगा यहाँ जितने लोग हैं किसी की लड़की का और लड़के का शादी कराने के चक्कर में रहो आप बेटी के मांग में सिंदूर परी तो बढ़िया बा कि ना बा का हो दुल्हा के परछावन हो तो बढ़िया बा कि ना बा बोलो शंकर भगवान की अब कथा एजू आई बा शंकर जी भेजले की जाके बियाह काटा लोगों सब तरीसी लोग गए 25-30 जनी अब पार्वती से जाके कहल लोग ये देवी तपस्या छोड़ दा शंकर जी के माई ना बाप ना घर ना द्वार आ कहाँ रहबू हथवा उठा के हे इतर तपस्या कर तड़ी ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय कुछ दिन फल मूल खैली कुछ दिन पत्ता चबा के रहली अब हवा पी के जिय तड़ी सासवा भर चलत आ वो शंकर जी के तपस्या में लीन बड़ी एक यानी देवता कहल है कि बूढ़े बर खातिर आई ऐसन बर खातिर झूठे गौरा तप करे लो बूढ़े बर खातिर बूढ़े बर खातिर झूठे गौरा तप करे लो बूढ़े बर खातिर झूठे गौरा तप करे लो बूढ़े बर खातिर अरे रहे के घर बा दुआर नहीं बा रहे के घर बा दुआर नहीं बा रहे के घर बा दुआर नहीं बा हम छोड़ी दूसर आहार नहीं बा हम छोड़ी दूसर आहार नहीं बा हम छोड़ी दूसर आहार नहीं बा बूढ़े बर खातिर ऐसन बर खातिर झूठे गौरा तप करेलु बूढ़े बर खातिर बूढ़े बर खातिर झूठे गौरा तप करेलु बूढ़े बर खातिर झूठे गौरा तप करेलु बोल दी शंकर भगवान की जय सब तरीसि लोग कहले बियाह के तपस्या छोड़ दो लेकिन पार्वती मैया कली पहले कान में अंगूरी डार के धीरे से चल जा लोगन तुलसी बाबा लिखले जन्म कोटि लगी रगर हमारी जन्म कोटी लगी रगर हमारी बरऊ शंभुन तरहु कुआरी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय कहूं सत बार महेशु राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम बोल दी शंकर भगवान की पार्वती मैया कहली कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी अब बरऊ शंभु न रहऊ कुंवारी शादी होई तो शंकर जी से होई ना तो कुंवारे रह आ शंकर जी कहे कि बियाह नहीं करत तब इनके छोड़ब नहीं पीछा लगले रह आज वर्तमान में बेटिन के चलता कि माई बाप के तनी बोल माई बाप जौन कहता ना तौन बियाह होता कि लड़की
श्री सभा के लोग के बोली के जनता नहीं खे केकर कहल होता माई बाप के बाप हो बाप कैसन गांव बा हो के जनते नहीं खे तीनिए गो काल रहल भूत काल भविष्यत काल वर्तमान काल अब एगो नया चलल बा मीस काल कजन एजु काल बाखिना ये दादा माई बाप जनता नहीं खे बियाह हो गए माई बाप के मालूम है नहीं बा शादी हो गए ऐसा होता कि नहीं होता। और यहां जितनी बेटियां आई हैं गौर से सुनना जवनी जवनी लड़की के मांग में सिंदूर नहीं खे पड़ल हम निवेदन करेंगे कभी भूल करके मोबाइल से और किसी लड़के से कांटेक्ट मत करना। महतारी बाप के बड़ा इच्छा है कि अपनी लड़की की शादी मैं धूमधाम से करूंगी मेरे दरवाजे पर बारात आएगी अपने दामाद को उतारूंगी और लड़की बिना माई बाप के इजाजत के शादी करेगी तो माँ के दिल पर क्या गुजरेगा। अजय अपनी मन के बियाह कैले बा ओकर नैहर ससुरा में इज्जत बा बोलो अब तो बलक मेलिंग होता लड़का फंसा के कहता कि तोहरे जाती हई अले आगे बंबई दिल्ली में पंजाब में बेचा तड़े सो पैसा पर लड़कियों को बेच दिया जा रहा है। भूल करके किसी लड़के से कॉन्टेक्ट मत करना करना ये बात अच्छी है कि नहीं है नहीं बढ़िया है। महतारी बाप शादी करेंगे तो बढ़िया देख करके विचार से अरे लड़का कैसा है मामा कैसा है पड़दार कैसा है रिश्तेदार कैसा है लड़के का विचार कैसा है तब ना शादी होगी। और जो लड़की अपने मन पास कर रही है ये गलत है कि नहीं है। ऐसा कभी जितनी बेटियां हैं बैठी हैं हम निवेदन करेंगे एक बात और कह दें बहुत माताएं कहती हैं बाबा हमारा पांच को बेटी बाड़ी आठ को तारा दस को बेटी पैदा हो जाए तो ब्याह हो जाए। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं ब्यास गद्दी से दोस्त को बेटी अगर पैदा हो जा तो कर बिया हो जाई को तू मर जाइबू तबो हो जाई लड़की के बाप ना रही है तबो हो जाई गांव जवार चंदा लेके बिया को दी कहीं धरती पर सुन ले मानी लड़की कुंवार बा अतनी हो बतिया बता दे लड़का कुंवार बाड़ेगी ना अगि हो नहीं बालो आठ को बेटा पैदा कर चार गो रण हुए घूमी लोगो ही में सिसमा के लोग ताकी ए बैठा बाबू के बैठा ल दस को बेटा जेकरा आठ को लड़का बना ओकर बियाह सजिन के भइल बा गांव में पता करी ह त नैहर ससुरा भइल बा दुगो ही तर परले रह गइल के पूछई नहीं आई बेटियों कहीं कुंवार रहल बड़ी लड़की पर कभी घबराओ मत। चार बेटी हो दो बेटी हो चार गो पतोही रौरा घरे बाड़ी तो घर जोर नहीं लागी और घर में अगर दो गो लड़की है तो घर महाराज एकदम चमकता रहेगा बिना बेटी का घर कैसा। यूट्यूब मेरी कथा एक गीत चढ़ी है बेटी ससुरे में रही है तू चान बन के मोबाइल लगा करके कभी सुन लेना यूट्यूब पर मेरी गीत चढ़ी है कई लाख लोग सब्सक्राइब किए हैं गीत को। सबके पुतरी के बिचवा परान बनके बेटी ससुरे में रही है तू चान बनके बोलो सच्चे दरबार की। यहां जितनी बेटियां हैं सबसे निवेदन करेंगे कभी भूल करके किसी लड़के से कोई कॉन्टेक्ट मत करना कि माता पिता के बिना इजाजत की आपके साथ मैं भोगूंगी मैं निवेदन कर रहा हूं। और ये व्यासपीठ है व्यासपीठ पर मुझे क्या बोलना है आपको हम बता दें। यहां जितने बच्चे भी हैं लड़की इतनी पर नौकरी खातिर दौड़ती है जितना लड़कियां पढ़ने में मन लगाती हैं कोई लड़का लगा रहा है इतनी पर तो लड़कन के बार छटाता कौन कौन मॉडल कहीं हो दादा हमें बिचवा में छेदा रहता हैपर से हैपर हैपर से हैपर है तोरे मॉडले में बर्बाद बढ़े कजन ये जू होता कि नहीं हमारे यहाँ तो खूब होता सिसमा में नहीं होत हो चैंपियन लड़का हवा बुझे वाला तो बुझते हमारा तो बुझाता है जो जौन होता जौन कहीं होते नहीं के। बोलो शंकर भगवान की जय। ए जगह पर कथा आई बा
पार्वती मैया से एक जनी देवता कहले कि अबो से मान ला तहरा लायक शंकर जी ना बानी, शंकर जी के माई ना बाप ना घर ना दुआर कहाँ रहबो। लेकिन पार्वती मैया कहली तू लोग धीरे से अपना घरे जा, जन्म कोटी लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहु कुमारी, तजउ न नारद कर उपदेशु, आ आप कहो सतबार महेशु। जब बड़ा समझावे लागल तो जनी देवता कहल अरे कैसे कटी कैसे कटी, अरे कैसे कटी हो गौरा कैसे कटी, भिखारी संगे जिनगी कैसे कटी, भिखारी संगे जिनगी कैसे कटी, भिखारी संगे जिनगी कैसे कटी, कैसे कटी कैसे कटी कैसे कटी हो गौरा कैसे कटी, भिखारी संगे जिनगी कैसे कटी, भिखारी संगे जिनगी कैसे कटी। अरे मुहावा में दांत नहीं बड़ा बूढ़ भइले, मुहावा में दांत नहीं बड़ा बूढ़ भइले, तहरा लायक दुल्हा जटा धारी न रहले, तहरा लायक दुल्हा जटा धारी न रहले, तहरा लायक दुल्हा जटा धारी न रहले। कैसे कटी कैसे कटी कैसे कटी हो गौरा कैसे, अरे मदारी संग जिनगी कैसे। बोलो शंकर भगवान की जय। सब तऋषि लोग के आके कहले कि बाबा बियाह कटे वाला ना बा, टांगियों से काटल जाए तो वो बियाह ना कटी। शंकर जी कहले तर मनाई ना, नारद जी के बुलावर पार्वती के रेखा हाथ के देखले रह। नारद जी नारद नाम के कर नारद, जेकर बात कबो नारद होला वही के नाम नारद हो। वृथान जाए देव ऋषि बाणी, शंकर जी नारद जी के बोलो बोले सब पंडित जी लोग कहले कि जाके पहले लड़की के माई बाप से पूछा कि तैयार बा लो कि ना। गईले नारद जी मैना दुआरी पर अपना आसन लगा के बैठल बड़ी, नारद जी से कहली कि बाबा बड़ा सवेरे सवेरे कौना और। नारद जी कहले रूरा बेटी के ब्याह तय हो गए। मैना कहली अच्छा ही बताई ब्याह कहाँ लगा था, कहले कैलाश पर्वत पर मकान बा। मैना कहली को घर बा, नारद जी कहले पच मंजिला कोठी बा पांच किता घर बा। शंकर जी के कही घर बा कहाँ रहिले, जहाँ हमनी के फूकाइल जला वो जो रहिले। मैना कहली अच्छा तो खेत कितना बा, नारद जी कहले 500 एकड़ खेती बा, 500 एकड़ खेती बा। मैना कहली तब तो चैंपियन है बा। शंकर जी के कही खेत बा, ऐसा जी खेती के कर हमरा बाबे के ना। मैना कहली दुल्हा के उम्र, नारद जी कहले 16 वर्ष के बाणी, शंकर जी 16 वर्ष कर रहे। लेकिन शंकर जी को लिखा गया है कर्पूर गौरम करुड़ा अवतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा बसंतम हृदयारविंदे, अभवम भवानी सहितम नमामि। शंकर जी को लिखा गया है कि सत्यम शिवम सुंदरम, हमारे शंकर जी इतना बढ़िया कोई है नहीं। मैना कहली बाबा जब रउरा पसंद बड़े तो तिलक बरछा चल ना, रामचरित मानस में तिलक बरछा नहीं है पढ़िएगा, लेकिन शिवपुराण में कुछ मैटर है, लौकिक का परलौकिक हम दोनों दिखाएंगे। आपके मनोरंजन के लिए 2 लाइन हम भर रहे हैं। गड़ी के गोला पान के पत्ता पियरी धोती, ठाकुर या पंडित जी ले के चलल बालो। शंकर जी बानी कहा कैलाश पर्वत के बगल में श्मशान घाट बा, 100 गोलास जरता नौवा कल से बाबा तिलक कहाँ चलता। पंडित जी कहे देखू है मरकरी जरता, जो लसिया फूकाइल बा ओका मरकरी कहले। नौवा कहले बाबा हम ता भागो। पंडित जी कहली तिलक लेके अल बड़े काहे भगबे। नौवा कहले समाऊ के फूके ले चल तड़ा का, यहाँ लाश फूकाता हूँ जो तिलक चढ़ी। शंकर जी का कोई दूसरा घर है। नौवा कहले बाबा जहाँ लाश फूकाता तिलक चढ़ी। पंडित जी कहले शंकर जी का घोटा है बकलोलवा चल के देखना। आ जब नौवा शंकर जी के लगे गई आ जब रूप देखल तो कहल से बाबा ई दुल्हा के बाप हमें का बूढ़ऊ। पंडित जी कहले बियाहवा कटबे का थे, एन भोलेनाथ है रे। नौवा कल से बाबा मदारी का काम करे ला का,
बटई में सांप बा काने में बिछी बा आई डमरू त्रिशूल ले ले बड़े पंडित जी कहले लबर लबर बोल मत विदाई होई ना ही गड़बड़ा जाई मां मिला नउआ कहले तो सजी बात ठीक बा पंडित जी एक बात बताई इनकी कपड़ा में बोरिंग भल बा का पानी फेंका था भग 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 पंडित जी कहले बियाह होखे नाई दे न छुपैले नउआ कहले बाबा हम ता भाग पंडित जी कहले तिलक लेके अलबड़े तो भगले के फेर में न रह हमनी घरे तिलक आवत त हे बुढ़ियन के सीट कहीं मिलता तीन गो पार्टी बनेला आ बूढ़ा लोग अलगे ढाकेला आइल बल घर में आ झुमका टीका जे सजौले बामार नहीं बुझाई है वीडियो रिकॉर्डिंग होता जेकरा बियाह में कोनो बूढ़ी का फोटो आवता देखिए लोग तो अब तक कौन बूढ़ी का फोटो तीन पाल्टी बने ले छोटकी छोटकी कोठा पर चढ़ जाइए सो बुढ़िया अलगे ढकलाइल बड़ी आ नौका मांडल वाला पोजीशन वाला अलगे बाल वीडियो रिकॉर्डिंग वही पर चलता पहले झिनकी गई है सो अरे बर बर बठुला मंगली दिल्ली के कारखाना से बड़ बड़ बटुला मंगली दिल्ली के कारखाना से बड़ बड़ बटुला मंगली दिल्ली के कारखाना से बड़ बड़ बटुला मंगली दिल्ली के कारखाना से अगुआ साला पंचर भइल महंगी के जमाना से अगुआ साला पंचर भइल महंगी के जमाना से अगुआ साला पंचर भइल महंगी के जमाना से ई त सिसमा के हई झिनकी गौली हसो बैठल बाड़ी से तब बर बर बटुला मंगली दिल्ली के कारखाना से अगुआ साला पंचर भइल महंगी के अब बुढ़िया पाल्टी कढ़ोले बा कड़ेरे गावे के बा ई माई के जग यह माई के बियाह होखे जाता कड़ेरे गई हलों चाप के कि आज मोरी शिव जी के तीला का आयो पछवा मुकदमा चलता का हो ए तन तोहरे लोग आवाज भर गर्दा गर्दा मचा दे भगवान भोलेनाथ के बियाह होके जाता कि आज मोरी शिव जी के तीला का आयो तो लोग गावा तड़ुना गौल का हमारा निक ना लगता बुझाता अस्पताल में सब मरीज निकाल जाता रहता ने पर गवाता तोरे रू वाले गाल हे तर भी बियाह तिल के गीत गवाला है जितना पर गवाता इतना पर हमारे यहाँ सांझा पर आती गवाला चार गो बूढ़ी हो सारवा में बैठी जाई हस सगुनिया उठ जाले तना ही गवाला चार गो बूढ़ी हो सारा में बैठ जाई तो शुरू कर दिए सो आहो आहो सांझा गो साईत केही तू है माना नहीं गवाला ऐसे विपत पर जाला भिनसा हरावा कोनो झोटो में खोल कर बैठल बा कोनो लुगा होने घिरिया तो कोनो पेटीकोट में पर बैठल बा शुरू कर दी है सो हे भोरा भीला भी ए चाची तो ही कढ़ावा हो हे भोर जाता नहीं घूमता होता सूते हम हे भोर तन पानिया ले मुहवा धोली हे भोर एक के गीतिया चौपट को के धो देली सो बिन सहारा वहां अहुसियर की है तर गई है हे भोरा भीला भीनो सहारा ची इरैया का बोले ले हे जाई जा गई हा बाला देवा बाबा शुभ घरे मंगल हे जाई जा गई हा देविया मैया शुभ घरे ओही में एकला नौरी गाली छो हे बाढ़े को अवानी देई के नई हारा
का आवानी दे के। अच्छा तो सही बुझाई बिझाता कि ना बियाह होके जाता ना बुझाता वीरेंद्र बाबा बियाह करावे हल्लुक पावर गर्दा गर्दा मौत जाग बयाज। बोलो शंकर भगवान की जय। तन कस का बोलिए कि आज मोरी शिव जी के तीला कायो अंगना में बाजेला बधाई रे माई कुछ बरनी न जाई अंगा असल में गीतिया का गवा अब हई कुल गीत गवा ता तिलके में कजनौरे और चल तक नहीं हमारे यहाँ तब फिल्मी गाना गावेली से पिक्चर के नाम है गंगा जमुना सरस्वती ऐतन तकी है तिलकहरू को मेरा नमस्कार है आंगन में तेरा इंतजार है तिलकहरू को मेरा नमस्कार है आंगन में तेरा इंतजार है कब तक ओ आएंगे देरी होगा तिलक कब चढ़ाएंगे आंगन में कब तक ओ आएंगे देरी होगा तिलक कब चढ़ाएंगे दूल्हे से उनका बड़ा प्यार है दूल्हे से उनका बड़ा प्यार है आंगन में तेरा इंतजार है। बोलो शंकर भगवान की जय। कथा तैयार बाल बतानी गौर से सुने जोन प्रसंग चलता सिसवा पांडे में भोलेनाथ के बियाह होके जाता आ जहां मांगली कार्यक्रम भगवान शंकर जी के विवाह माता पार्वती के विवाह होके जाता रुदा पाच के घर में मंगले मंगल होई अब मंगल तो होइबे ना करी खाली प्रेम से सुनी। यहाँ जितने विद्वान हैं एक बात बताइएगा कि ऐसन दुल्हा बनल जेकर मौर को बहुतरल ना मौर बुझत नहीं ना मौर हमने के कपारे पर मौर धारा लगना ना धारा ला नहीं धाराई के ऐसन दामाद बनल इन बच्चों को डांटिएगा के ऐसन दामाद बनल जेकरी कपारे पर के मौर कब उतरल ना राम जी का मौर उतर गया कि नहीं उतर गई कन्हैया जी के मौर उतरल कि ना उतर गई विष्णु भगवान का मौर उतर गया कि नहीं उतर गई लेकिन आप बताइएगा भोलेनाथ का मौर कभी उतरा है शंकर जी के फूले पति के मौरुआ इनके नाम है फूल पति का मौर शंकर जी का नहीं है। आप मानस की चौपाई पढ़िएगा वीरेंद्र बाबा अब यहां से कथा कैसा लगा रहे हैं बड़ी गौर से सुनिएगा। तुलसी बाबा लिखली कि शिव ही शंभुगल करही सिंगारा
यहाँ जितनी बेटियां बहन हमारे बाबू लोग आए हैं थोड़ा कौर से समझिएगा। सिवही संभुगन करही सिंगारा, शंकर जी का सिंगार कौन कर रहा है? शंकर जी के गण। सिवही संभुगन करही सिंगारा आ जटा मुकुट अही माने सांप, शंकर जी का जटा है ये है अही माने सांप, ई दोनों लपेट के मौर बनल, बौरहू का मौर बन गल। अच्छा ई मौर कबो उतरल बा? उतरल बा कबो? तुलसी बाबा बड़ी मार्मिक चौपाई लिख रहे हैं, सिवही संभुगन करही सिंगारा आ जटा मुकुट यही मोर सवारा। अब शंकर जी दुल्हा बने जाते हैं, शंकर जी कौने सवारी पर दुल्हा बन ले? कौन सवारी है? मारुति। हाँ तो बोलल कर, हे तर हिलावल कर।